पूरा भौकाल टाइट करके रखे हैं आप लोग। भौकाल ने भूचाल मच किया है विधानसभा, सिली विधानसभा के क्षेत्र में। ईवीएम भी हैक होने वाला है, कैंची छाप पे इतना बटन दबाने वाला। क्या कर लेंगे देवेंद्र, अगर एक विधायक अगर यहाँ से बन गए, हमारे पूरे झारखंड में पूरा बहुमत का सरकार बनाने जा रहा है इस बार। क्या बात कर रहे हैं, 45 सीट, 45 प्लस सीटें आ रही है जेएलकेएम की। यहाँ पे कह तो रहे हैं सुदेश महतो, तो हमने सब काम किया है, आप बोल रहे काम ही नहीं। और नेखा नदी गुजरता है सिल्ली विधानसभा में, जाइएगा तो टोला में लगता है कि टोले में सौर नेखा नदी गुजर रहा है। दुर्गा मंदिर कसम खा खा के सुदेश महतो बोला है कि हम नहर बनवाएंगे, ये भी तो क्यों नहीं बना, इसका जवाब कौन देगा? अशु पाटू वाला बोलो, खाली युवा लोग के वोट देने से हो जाएगा? कहाँ है वोटर, और भी वोटर को निकालना पड़ेगा ना। तूफानी एक दौरा आता है, इसी तरह तूफान आ गया, भूचाल आ गया सिल्ली विधानसभा। लोकसभा में भी यही भूचाल मचाया था आप लोग ने, लेकिन वो हवा निकल गई। देवेंद्र के टक्कर में कोई नहीं है यहाँ सिल्ली में, कोई नहीं है। जितना युवा है ना, सब का जितना बाप माँ भाई बहन सब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जेएमएम हुआ, एचसीयू हुआ, बीजेपी हुआ, सबने लूटा है बारी बारी। टाइगर जयराम महतो के नाम से कैंची छाप से इतना डर गया कि असम के मुख्यमंत्री यहाँ के प्रचार कर रहे हैं। एक भी नई नीति बनाए, सब चोर है, जितने भी पार्टी है सब चोर है। गोली खाने के लिए तैयार है, गोली मार दे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो का नाम रहेगा और जेबी कैसे सर कैंची छाप का नाम रहेगा। द पंचायत न्यूज की चुनावी मिजाज की गाड़ी पहुंची थी, ये सिल्ली विधानसभा है। सिल्ली विधानसभा में हम पहुंचे थे, पीछे आप देखेंगे जेएलकेएम का कार्यालय यहाँ पे है। देवेंद्र नाथ महतो को जयराम महतो ने अपना प्रत्याशी बनाया था। योगेश जी हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे? पूरा भौकाल टाइट करके रखे हैं आप लोग। भौकाल ने भूचाल मच किया है विधानसभा, सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में। ये एक कार्यालय में इतना भीड़ है, तो हर एक पंचायत में ऐसा ऐसा कार्यालय या ऐसा ऐसा बाइक अभी खड़ा है। सभी पार्टियों जो झारखंड के छात्रों के चूसे हैं, खून चूसे हैं, नौकरियां बेचे हैं, और जितने भी गरीब किसान बेटे को, गरीब किसानों को जितने भी शोषित किए हैं, आज उन लोग आज ही पता चलेगा कि सिल्ली में क्या होने वाला है। उसके बाद जो वोट गिरेगा, ईवीएम भी हैक होने वाला है, कैंची छाप पे इतना बटन दबाने वाला है, वोट दबा देना है। बिल्कुल सिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि सभी ने मंत्री विधायक सब बन गए हैं, सभी ने आश्वासन दिया लेकिन कोई काम नहीं किया है। अब जो है देवेंद्र भैया को हम लोग जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे। कह तो रहे हैं सुदेश महतो, हमने सब काम किया है, आप बोल रहे काम ही नहीं। कौन सा काम किया भैया, सौर नेखा नदी गुजरता है सिल्ली विधानसभा में, जाइएगा तो टोला में लगता है कि टोले में सौर नेखा नदी गुजर रहा है। वो तो रोड बनना चाहिए, नली बनना चाहिए, वो तो सौर नेखा नदी दिखाई दे रहा है टोला में। कौन सा विकास किए हैं उसी से पूछे ना कि सिल्ली मॉडल के बात करते हैं रामगढ़ में जाकर, और यहाँ से गांव में जाकर देखिए कि कितना भी मिट्टी के घर ऐसा है कि हालत खराब हो जाएगा आपको। यहाँ स्थिति है सिल्ली में, आवास नहीं मिला है सबको, किसी का आवास उवास नहीं है। गरीब इतना आदमी है, शोषित पीड़ित के क्या बोले कि यहाँ लेदरा पहन के भी रहता है आदमी, आदिवासी लोग। सिल्ली विधानसभा में झांक के देखिए आप, ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए यहाँ की मतलब, किस हालत मतलब है। सुदेश महतो कहते हैं सिल्ली का मॉडल रामगढ़ में जाके, और रामगढ़ से आप यहाँ पे आ गए चुनाव प्रचार करने के लिए देवेंद्र का। जी बिल्कुल। कैसे होगा ये? कैसे नहीं होगा, आए हैं तो आए हैं। विधानसभा ज्यादा दूर नहीं है, मेरा विधानसभा हम जाके बोलते हैं कि सिल्ली मॉडल बनाएंगे, लेकिन आके यहाँ विधानसभा में यहाँ खुद आए तो देखते हैं कि खंजर पड़ा हुआ है चारों सिल्ली विधानसभा। लेकिन खाली युवा लोग के वोट देने से हो जाएगा? कहाँ है वोटर, और भी वोटर को निकालना पड़ेगा ना। युवा वायु होता है, अगर वायु के रूप धारण कर लेगा तो किसी को वायु नहीं पहचानेगा। तूफानी एक दौरा आता है, इसी तरह तूफान आ गया, भूचाल आ गया सिल्ली विधानसभा। सिल्ली विधानसभा में चले पूरे झारखंड में भूचाल आ गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। युवा के दिलों में धड़क बसते हैं देवेंद्र नाथ महतो, आज जो है युवाओं के लड़ाई लड़े तब कहीं जाके युवा सपोर्ट कर रहे हैं। लोकसभा में भी यही भूचाल मचाया था आप लोग ने, लेकिन वो हवा निकल गई। लोकसभा एक लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, कवर करना उतना मुश्किल नहीं था उस समय। लेकिन इस विधानसभा में समय भी मिला, बहुत जबरदस्त मिला। अभी रुखट नाटक के माध्यम से 6 नृत्य से लोगों को इतना जगा दिए हैं कि जो धान खेत में काट रही है, धान खेत में दीदी दादी लोग सब बोल रहे कि वोट तो कैंची छाप में ही देंगे, ऐसे करके एकदम कैंची में देंगे। कैंची छाप जिंदाबाद, 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 कैंची छाप जिंदाबाद, 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 जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, देवेंद्र भैया जीतेगा। अच्छा काहे जीतेगा देवेंद्र, क्या कर लेंगे देवेंद्र, अगर एक विधायक अगर यहाँ से बन गए तो क्या लगता है? देवेंद्र भैया ही नहीं, हमारे पूरे झारखंड में पूरा बहुमत का सरकार बनाने जा रहा है इस बार। क्या बात कर रहे हैं, 45 सीट, 45 प्लस सीटें आ रही है जेएलकेएम की यहाँ पे, पूरे झारखंड से, पूरे झारखंड में। जी हाँ, मुख्यमंत्री बना के छोड़िएगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाएंगे हम जयराम महतो जी को। हाँ एकदम मुख्यमंत्री बना के छोड़ना, एकदम जरूर से जरूर मुराएंगे मुख्यमंत्री। इसीलिए हम लोग देवेंद्र महतो के यहाँ से लीड करवाते हैं, यहाँ से जितवाते हैं, यहाँ से जितवाएंगे। काका क्या कहिएगा, जुआ का बाप है मेरा, जो हम जुआ से
जितना जुआ है ना सबका, जितना बाप माँ भाई बहन सब हम लोग एक कट्ठा हो जाएंगे एक तरफ से। बोलते सिर्फ नौजवान लड़के लोग आते हैं जिनके, क्या नौजवान का, मेरा नौजवान मेरा लड़का है, उसका बाप है हम। हम दाढ़ी पक गया, देखिए दाढ़ी पक गया, लड़का को हम साथ देंगे, किसको साथ देंगे बताइए। लोग बोलते हैं जो लड़के लोग इनके साथ जुड़ते हैं उनके पास वोटर आईडी तो रहता ही नहीं है, तो ये बताइए नौजवान है दाढ़ी पक गए हैं, इनकी बात नहीं कर रहे, बच्चा है, हम बात नहीं कर रहे, बोल रहे हैं अगर बाकी जो विपक्षी पार्टियों वाला है वो कहते हैं कि जो लड़के लोग इनके साथ आते हैं उन लड़के लोग के पास तो वोटर आईडी ही नहीं रहता है। वोटर आईडी मेरा 30 साल हो गया वोटर आईडी, हम तीन 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 इस तीसरा वोट देने वाले हैं, तीसरा वोट देने वाले, वो क्या कर रहा है आज तक सुदेश माथो, क्या कर रहे हैं अभी तक, क्या किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया घर हुआ, नहीं नहीं हम लोग डोकात पंचायत हुआ, ये 2001 में कहना बोला था कि नहर बनाएंगे डोकात पंचायत का, 2024 हो गया आज तक नहीं, शिलान्यास किया है एक महीना पहले कि दो महीना पहले शिलान्यास किया, उसका दूसरा और कहना शिलान्यास बोर्ड गिर गया, अब बताइए नहर बनेगा तो कब गिरेगा, इधर नहर बनना था, हाँ देखिए वो जहाँ है शिलान्यास किया था उसका दूसरा और बोर्ड गिरा, अब बताइए नहर गिरे, नहर बनेगा तो उसका दूसरा उसका पहले ही गिर जाएगा, तो उससे पहले 5 साल में कभी नहर गिरी, 20 साल 24 साल आज तक कुछ नहीं किया, मतलब वो 20 साल राज किया है, आज तक फर्स्ट साल बोला था 2001 में आज तक नहर नहीं बनाया, बताइए क्या बोल, हम बोलना चाह रहे हैं ये 24 साल राज किया सुदेश महतो, अभी तक नहर नहीं बना, नहर ही बोला था हमको, माँ कसम खा खा बोल रहा, दुर्गा मंदिर कसम खा खा के सुदेश महतो बोला है कि हम ही नहर बनवाएंगे, अभी तक क्यों नहीं बना, इसका जवाब कौन देगा, आंसू पाटू वाले बोलो, कितना आंसू पाटू वाले यहाँ जवाब देंगे बोलिए, इतना दिन हुआ जितना भी रास्ता रिपोर्टिंग कर रहे, देखिए ना मेन रोड में छोड़ के जाइए आप, रोड में खंजर बड़ा हुआ है, खंजर कौन जवाब देगा, आंसू पाटू जवाब देगा बोलिए, बोलते हैं इस बार एकदम बदलाव जरूरी, बदलाव देवेंद्र के टक्कर में कोई नहीं है यहाँ सिल्ली में, कोई नहीं है देवेंद्र भैया के टक्कर में, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्या बोल रहे हैं 1932 का बात करते हैं तो लोग सुदेश महतो जी सीएनटी एक्ट लागू किया 1985 कर दिया है, जब सब बिहार यहाँ घुस के ये हो जाए और हम लोग झारखंड ही बर्बाद हो जाए उसका ही कहना है, और इधर 27% आरक्षण जो ओबीसी का लागू हुआ था वो 14% कर दिया है, कितना विकास किया है, बहुत ज्यादा विकास हो गया उसका अनुसार में, हाँ जनता के अनुसार में तो नीचे रह गए हम लोग सब, तो सर अभी और अभी जीत के आएंगे तो और विकास करेंगे, और विकास होगा, 14% से आप देख रहे हैं कि 2% हो गया है, 1% हो गया है हम लोग का, तो कितना विकास हो रहा है, ऐसा ऐसा विकास बहुत ज्यादा, आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ जितने भी पार्टी आई है, जेएमएम हुआ, एचसीयू हुआ, बीजेपी हुआ, सबने लूटा है बारी बारी, अब किसी को नहीं देंगे दोबारा, सब लूटा है 1932 के नाम पे, नियोजन के नाम पे, नीति के नाम पे, कोई बनाया अभी तक बीजेपी बनाया कि आशू बनाया, तो कि जमीन तो आप लोग ही दे रहे थे, दे रहे तो आप नहीं देंगे, अब जा चुके हैं थोड़े देंगे, एक भी नई नीति बनाया, सब चोर है, जितने भी पार्टी है सब चोर है, जितने भी लूटने का काम किया है इन लोग, जितने भी पार्टी, सबसे पहली बात की बीजेपी इतना डर गई है, इतना डर गई कि असम के मुख्यमंत्री किससे डर गई, टाइगर जयराम महतो के नाम से कैची छाप से इतना डर गया कि असम के मुख्यमंत्री यहाँ के प्रचार कर रहे हैं, झारखंड में विधायक नहीं है, झारखंड में मंत्री नहीं है, वो आके डर रहा है, और सबसे ज्यादा अगर शासन किए हैं तो यहाँ बीजेपी किया है, सबसे ज्यादा अगर बर्बाद कोई किया है तो बीजेपी और सभी पार्टियों ने यहाँ किया है, आज तक से स्थानीय नियोजन नीति क्यों नहीं बना इन लोगों को बताया कि रघुवर दास 11-13 जिला बांट दिए, एक ही राज्य में दो अलग अलग राज्यों में अथी जिला को बांट दिए, 11-13 में बांट दिए, वो भी तो किए थे, और प्लस में हेमंत सोरेन आए तो ये भी यही हाल कर रहे हैं कि देखिए ओपन फॉर ऑल में एग्जाम लिवा दिए, सब चीज़ करवा दिए, हम लोग बेरोजगार छात्र कहाँ जाएंगे, देवेंद्रनाथ महतो तो एक छात्र ही है, अगर वो डीएसपी बनते, बीडीओ सीओ बनते, अधिकारी बनते तो चुनाव खाक लड़ने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोग ने जगह दिए हैं तब कहीं जाके चुनाव में खड़ा हुए, आज टाइगर जयराम महतो बेरोजगार है तब खड़ा हुए, अगर नीति नियम रहता हम लोग को नौकरी लगता, पुलिस बनते, दरोगा बनते, कोई अधिकारी बनते तो हम लोग चुनाव में नहीं आते, आज भरोसा करेंगे लोग आपके ऊपर, अरे हम बेरोजगार हैं, भरोसा नहीं करेंगे हम, बिना किसी से, हम सभी के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए जेल गए हैं, FIR खाए, 302 धारा छोड़ के मेरा ऊपर सब केस है, सुदेश महतो भी खाए हैं, अमित महतो भी खाए हैं, हम लोग से छोड़कर हम उन लोग खाए होंगे तो बालू चोर में खाए होंगे, कोयला बेचने में, पहाड़ी गायब करने में किए होंगे, जमीन घोटाला में किए होंगे, लेकिन हम लोग पर जो है हक और अधिकार का, अपना नियोजन नीति का, अपना नौकरी के लिए लड़ाई की है, ना कि किसी का, हम लोग एक रुपया पॉकेट से काटे नहीं है, इन लोग तो सभी जनताओं के पॉकेट काट करके मुआ दिए हैं, बताइए इन लोग का अपना परिवारवाद में ही खड़ा कर रहे हैं, बताइए इन लोग का परिवार विकास हो गया है, लेकिन गरीब जनता के कहाँ विकास हुआ है, कहाँ देख रहे हैं, इस अंगुली वोट देते देते आज बूढ़ा
आज जो है खटिया में पड़ा हुआ है, लेकिन उस वोट लेने वाला अमेरिका सिंगापुर ब्रिटेन में मौज कर रहे हैं विधायक मंत्री। सोचिए कहाँ कितना स्तर झारखंड का है स्थिति। तो ये चीज इन लोग का बदला क्या बोल रहे हैं जितने मीडिया क्या बोलते हैं विधायक और मंत्री हैं अभी 24 साल तक, चाहे बीजेपी हो जेएमएम हो, झारखंड ही कौन है इसका जवाब कौन देगा? अभी तक नीति क्यों नहीं बना? झारखंड ही कौन है इसका जवाब कौन देगा? जितने भी पार्टी वाले हैं आज तू हो जेएमएम हो 24 साल राज किया ना, चाहे बीजेपी कांग्रेस जो भी पार्टी है, झारखंडी कौन है इसका जवाब कौन देगा? तो मतलब आप खड़े हैं तो आपके ऊपर आपको भी बोला जा सकता है कि आप झारखंडी नहीं है, तो कैसे कौन है झारखंडी इसका परिभाषित कौन करेगा ये बताइए ना, कौन देगा जवाब इसका? सरकार दे सकती है झारखंडी कौन है? मतलब यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं अगर उनको पूछा जाए कि आप झारखंडी कैसे हैं साबित कीजिए तो कोई साबित नहीं कर पाएगा। बिल्कुल हिंडालको फैक्ट्री आप देख लीजिए ना दादा, हिंडालको में सब पश्चिम बंगाल और बिहार आके बस गए, 10 को झारखंडी वहाँ नहीं काम करते हैं, वो भी झारखंडी अगर प्रचार करने के लिए आ रहे हो तो धमकाया जा रहा है तुमको फैक्ट्री से बाहर कर देंगे अगर 10 को है। आज यहाँ धमकाया जा रहा है सिल्ली वासियों के कि राशन कार्ड आपको कर देंगे, अगर आवास विद्यालय में किसी बच्चा पढ़ रही है तो उसको धमकाया जा रहा है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सोच लीजिए कि क्या स्थिति है यहाँ के झारखंड में। मतलब देवेंद्र के साथ आने के लिए अगर कोई आता है तो उनको ये सब कर दिया नहीं, किसी अन्य पार्टी में भी जा रहे हैं तो अन्य पार्टी बोल रहा है कि मेरा पार्टी छोड़कर दूसरा पार्टी में प्रचार नहीं करो, अन्यथा तुमको जो है राशन कार्ड कर देंगे, फलना ढकना सब कर देंगे, ये कर देंगे। कौन बोल रहा है? ये अन्य पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं, झंडा टांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। 500 रुपया में झंडा टांगो, 500 रुपया ना तो तुम्हारा जो है अगर बालू का जो कोई कारोबार कर रहा है तो बालू का कहानी खत्म कर देंगे, अगर कोई फैक्ट्री में कर रहा है काम तो उसको निकाल देंगे, ऐसे धमकी दे रहे हैं। सोच सकते हैं कि भी आप लोग टिके हैं, फिर भी टिके, गोली खाने के लिए तैयार है, गोली मार दे शहीद होने के लिए तैयार है। बिरसा मुंडा 25 साल में शहीद हो गए, आज जब तक धरती रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा, ठीक इसी प्रकार जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो का नाम रहेगा और जेबी कैसे सर कैची छाप का नाम रहेगा, क्योंकि हम लोग एक बेरोजगार है, शोषित और पीड़ित है। हम लोग अगर शोषित और पीड़ित नहीं रहते तो आज यहाँ चुनाव या वोट मांगने के लिए हम यहाँ नहीं आते सिल्ली विधानसभा। कहीं ना कहीं हमको बेरोजगार किया गया है, शोषित किया गया है, तब यहाँ वोट मांगने के लिए आए। हम लोग को रोजगार देता तो हम लोग नहीं आते वोट मांगने के लिए। नौकरी लगा है आपको? नहीं लगा। नहीं लगा आपको? लगा नहीं, सब को नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है यहाँ पर, सब बाहरी को लगा है। आप यहीं के हैं? हिंडालको में नौकरी के लिए ट्राई किए थे कभी? नहीं लगा है। नहीं लगा? लगा नहीं। नहीं आप कहाँ के हैं? अंकल जरा तो हिंडालको में कभी गए हैं नौकरी मांगने के लिए? नहीं गए, लेकिन नहीं मिलता ही नहीं है झारखंडी को, मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। नहीं आप कहाँ के हैं? आप लोग गए हैं कभी हिंडालको में नौकरी मांगने के लिए? कितना बार गए हैं हम लेकिन कहा नौकरी नहीं लग रहा है कोई वहाँ। क्या बोलता है? ठीक है छोड़ के जाओ बोलता है, कुछ नहीं वो पेपर ऊपर का वो लोग खा के खत्म करता, चनाचूर खाता है कि क्या मालूम नहीं, नहीं होता है नौकरी। ये हालत है, ये हम यहाँ पे खड़े हैं, ये सिल्ली विधानसभा है और सिल्ली विधानसभा में लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से हिंडालको जो आई है वहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। फिलहाल हम हैं यहाँ पे जेलकेम के पीछे, आप देखेंगे ये है ऑफिस है और यहाँ पे लोग जमा है, अभी फिलहाल यहाँ पे इनकी बाइक रैली होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।